विदिशा के सिरोंज नगर कांग्रेस के पूर्व नगर अध्यक्ष अशोक त्यागी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने थाना प्रभारी शकुंतला बामनिया को आवेदन देकर व्हाट्सएप पर पोस्ट करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है। विदिशा जिले की तहसील लटेरी के ग्राम आनंदपुर निवासी एक व्यक्ति द्वारा व्हाट्सएप पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और वर्तमान मंत्री हर्ष यादव के खिलाफ टिप्पणी की गई, जिसके सरोंज नगर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अशोक त्यागी एवं उनके साथियों पर दलाली का आरोप लगाया है। इस बात से आहत होकर कांग्रेसी द्वारा थाना प्रभारी के नाम आवेदन देकर टिप्पणी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की मांग की है। विदिशा से आशीष सहेले की रिपोर्ट। सब पर एक अनर्गल डाली है पोस्ट, आरोप लगाया है और इसमें ये आरोप लगाया गया है कि हम लोग राजा साहब के पास प्रभारी मंत्री जी की शिकायत कर रहे हैं और हम लोगों के ऊपर भी इसमें ये कीचड़ उछाली गई है कि हम लोग राशि लेकर ट्रांसफ़र कराते हैं, धमका रहे हैं और लेकर साथ में हमारे प्रभारी मंत्री जी की छवि को भी धूमिल करने का इसमें प्रयास किया गया है। और ये कौन लोग हैं, इनको पकड़ कर इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो ताकि आगे से माननीय दिग्विजय सिंह जी और उनके समर्थक, माननीय प्रभारी मंत्री जी और शासन सरकार से जुड़े किसी भी व्यक्ति पर इस तरह का आरोप प्रत्यारोप या कीचड़ उछालने वाला काम ना हो। टिप्पणी करने वाले कहाँ के हैं? अब ये तो व्हाट्सएप पे चल रहा है, ये तो पुलिस का विषय है कहाँ से शुरू हुआ। हम लोगों के व्हाट्सएप पर जब आया और हमारे संज्ञान में आया तो हमने ये पुलिस को दी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।